अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था कंप्यूटर का, तो उसके बारे में मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स बताए थे। आज जो मैंने आपको कल स्टेप्स बताए थे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि वो वाले जो आपने आपके पास स्टेप्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारे पास सबसे पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ होती है, लेकिन आज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा आपको कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होती क्या है। लेट्स सपोज़ मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, कि आप कंप्यूटर के ऊपर एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना चाहते हो, आप वन उस पर प्लस का ऑपरेशन करवाना चाहते हो, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो माइनस का ऑपरेशन, या आप कोई भी ऑपरेशन कैलकुलेटर पे जो भी ऑपरेशन कर सकते हैं आप वो सारा के सारे कंप्यूटर पे ऑपरेशन करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आप चलो सोच तो रहे हो कि आप कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, आपने उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये तीन के चार, लेट्स सपोज आपने चार ऑपरेशन करवाने हैं, लेकिन अब उनके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उनके बारे में जो आपने पहले पता लगाना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ये सारा का सारा काम हम करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब लेट्स सपोज ये एग्जांपल उसने दी हुई है, देखो हाउ अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि लेट्स सपोज, अब ये देखो हमारे पास स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे ये सारे के सारे नंबर जमा होने, माइनस होने, मल्टीप्लाई होने और डिवाइड होने के बाद डिस्प्ले कैसे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन या पहली प्रॉब्लम ये है। उसके बाद कितने हमारे पास नंबर्स ऐड कर सकते हैं हम, दो तीन चार पाँच, एक लिमिट होगी, वो कितनी लिमिट्स होंगी, उसके बाद उसमें साइन टेन के फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे, या फिर उसके बाद हमारे पास जो भी ये चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं ये सारी की सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले हम उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जब हमें प्रॉब्लम्स का पता चल गया है, जो हमने प्रॉब्लम्स को पता लगाना था कि हमारे पास ये चार पांच प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या करेंगे उनके लिए, हम कुछ रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे उनके लिए, हमें क्या करेंगे कुछ, जैसा कि हम अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कर सकते हैं कि ये देखें ज़रा। अब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये होंगी कि जैसा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो हो गई कि हमने ये चीज़ें करनी है, लेकिन उसके लिए हमें अब क्या क्या तरकीबात हमें सोचनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ कि अगर आपने जमा करना है वन प्लस वन को, ठीक है, अब ये आपके पास प्रॉब्लम थी, अगर आपने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेट सपोज़ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टू, अब टू के अंदर मैं कर दूँगा ऐड वन, थ्री हो जाएगा, थ्री के अंदर ऐड कर दूंगा वन, फोर हो जाएगा, ये सारे के सारे स्टेप्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब मैं कब तक इसको जमा कर सकता हूँ, अप टू कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स, ये सारा का सारा मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता हूँ कि ये हमने चीज़ें करनी है, ये प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये सारी की सारी आपके साइन फंक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना है हमने, कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स की होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको बताया कि जो जो आपके पास एनालाइज प्रॉब्लम्स थी उनको आपने आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर रिक्वायरमेंट्स कर लिए आपने कि ये इनके आंसर्स हैं जो भी थे। अब उसके बाद हमने प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ कैसे करना है कि हमें पता चल चुका है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि हाउ मैनी सोल्यूशन आर ऑफन टू गिवन प्रॉब्लम, विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट के अंदर आ रहे हैं तो क्या, यानी कि उसका बेस्ट यानी कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर हमारे पास 0.98 है, 0.98 है, तो ये हमारे पास क्या किस में चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है 0.99 के अंदर, या फिर 1.0 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगला क्या, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट। अब कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि जो आप कैलकुलेटर में दे रहे हो वो इनपुट है कि आउटपुट है, और लास्ट पे कितना बड़ा नंबर हमारे पास कैलकुलेटर पे शो होगा। अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपने रिक्वायरमेंट्स तो सोचनी है, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ कर रहे हो डिटेल्स में, ताकि उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल सकें जो आपके प्रोग्राम्स के अंदर आसानी हो। अब जैसे कंप्यूटर को मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है, हम सारा का सारा काम क्या करते हैं कंप्यूटर को बताते हैं, एक एक चीज़ हम बताएंगे। अभी एनालाइज़ करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, अभी हम फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करेंगे, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमें आपको बाकी जो हाफ इसका पार्ट होगा कल इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा बाकी सारे पार्ट्स, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है,
तो उसके अंदर मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने फ़्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन करना है। फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करोगे, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम लिखोगे कि ये 1+1। इसके अंदर कंप्यूटर को तो ये भी नहीं पता होता कि प्लस का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है। मैं जस्ट आपको बार बार प्लस का साइन इस वजह से, ये प्लस माइनस की एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर की एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली जब फर्स्ट टाइम बनाया गया था वो इसी मकसद के लिए बनाया गया था, और आपके बुक में भी कैलकुलेटर की एग्जाम्पल ही यूज़ की हुई है। तो अब ये एनालाइज प्रॉब्लम्स तक मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो इंशाल्लाह बाकी ये जो इसका पार्ट रह गया वो मैं आपको इंशाल्लाह कल करवा दूँगा, जो चीज़ें इसके अंदर कवर हुई हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर कोई चीज़ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।